times. What do you know about Bharat? India? I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. What was your experience in India? Lots of temples. I love the temples. Colour, lots of music, lots of shiny saris, great food. Indians are quite kind people. I find they're vegetarian. I'm vegetarian, so I quite like that. तो ये पता नहीं फिर ये जिस तरह एक मैंने जिस तरह बताया आरजू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप क्लाशनों को आप ईद की नमाज पढ़ते हैं देखें नजारा ईद की नमाज है ऊपर 15 जो सिपाही खड़े होते हैं क्लाशन को फें लेकर कि यहाँ को मारना जाए के मस्जिद इतने ईमान कमजोर है आप लोगों के ये मजहब है आपका हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी ठीक है ना तरक्की दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है ठीक है ना तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है ठीक है ना तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं के बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं ठीक है ना वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलेगी सच कैसे बोल दिया दोस्तों अभी तक पाकिस्तान में कुछ विदेशी जरूर जाते हैं इनमें ये ऑस्ट्रेलियन महिला भी थी जब इसने भारत की तारीफों के पुल बांधे तो वहाँ वो हैरान रह गए कि बात और ये बात तो सच है आप जानते हैं विदेशों में जो हमारे भारतीय भाई रहते हैं जो हमारा डायस्पोरा भाग रहते हैं जो NRIs हैं उन्होंने भारत की शान में इतना सब कुछ कर रखा है कि कोई भारत की बुराई कर ही नहीं सकता दोस्तों क्योंकि भारतीय कभी भी बाहर जाके गलत काम नहीं करते कभी नहीं सुना होगा कि भारतीय ने कोई गलत काम किया है देखिए दोस्तों यही सबसे बड़ी बात होती है अपने देश की शान के लिए अपना शीश कटा देंगे लेकिन देश की आन नहीं झुकने देंगे ये भारत की बात है और पाकिस्तान वो कहता है पहले पाकिस्तान की गर्दन नाली में रगड़ दो तब जाके कहीं हम अपने कुछ खाएंगे जितने भिखमंगे लुटेरे सब पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं क्योंकि अब इनके देश में कुछ बचा नहीं है दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा बताइएगा वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओह माय गॉड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली मेड अ हिंदू विलेज इन ऑस्ट्रेलिया What would you like to say about that? I think that is a very good idea because we need to be promoting other cultures and other religions in Australia. Oh my God! So Australia is a secular country, you are going to say? Sometimes, yes. Australians are a bit strange sometimes. What do you know about Bharat? India? I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. What was your experience in India? Lots of temples. I love the temples. Colour, lots of music, lots of shiny saris, great food. Indians are quite kind people. I find they're vegetarian. I'm vegetarian, so I quite like that. And I think all over India, the people are very different. Yeah. Why they are different? I think the north is very different to the south. I think I like... Why Australia loves so much Indians? I don't know. We love going there because it's so cheap. And we love Indian food. You love Indian food? Yeah. What do you like most in India? Indian food is the best. हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी ठीक है ना तरक्की दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है ठीक है ना तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है ठीक है ना तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं के बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं ठीक है ना वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलेगी सच कैसे बोल दिया कैसे सच बोल दिए ये तो हमें पता है ना पाकिस्तानी है ठीक है पाकिस्तानियों को तो अपनी सब कुछ पता है ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ ठीक है चाइना का तो वो चाइना देखे खुद अपना मफाद ढूंढ रहे हैं हमारे साथ ठीक है ना उसका सारा बिजनेस हमारे यहाँ पे ठीक है ना अगर हम उसके साथ बाइकॉट करेंगे तो उसको पता है वो कमकल तो है नहीं ठीक है ना उसके आधा बिजनेस तो हमारे यहाँ मुल्क में कर रहे हैं गुलाम है ना उनके उनके बिल्कुल गुलाम है हम अंग्रेज़ों के गुलाम है बरतानिया तो इस वजह से हम पे हुकूमत कर गया कि हमारी जो सोच है ना वही गुलामाना सोच है ठीक है ना जब तक हम अपनी सोच को जिंदा नहीं करेंगे उभारेंगे नहीं अब तक हम कामयाब नहीं हो सकते आजकल देखे मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है एक दूसरे के पेट काट रहे हैं ठीक है पाँव मार रहे हैं तो ये हाल है ठीक है ना पाकिस्तान का मुझे बताएं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के अंदर भी इवन अगर दुबई की बात की जाए उन्होंने भी मंदिर की इनॉग्रेशन की है सऊदीया में भी बन गया है इसके बारे में आप क्या कहते हैं वो माइनॉरिटीज़ को हकूक दे रहे हैं हम कहाँ हैं आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की देखें अब सऊदीया ये सोचने लगा है ना कि हम यह तेल पर इसका जो तेल है उस पर इन्हसार नहीं कर सकते
वो आगे उनकी सोच है कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए या मतलब शहर बनाया जाए जहाँ के ब्रिटिश लोग भी आए, हिंदू लोग भी आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर सनअतें काम करें और लोगों को काम मिले। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी जहाँ तक चली ना तो तेल तो इनसार नहीं हो सकता। हमारी क्या चीज़ है, हम किस पे इनसार कर रहे हैं? ख़ुद पर सोचें, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। दूसरों ममालिक पे उंगलियां उठाना ज़बरदस्त है लेकिन अपने ममालिक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या माइनॉरिटीज़ को हकूक दे रहे हैं? हमारी तो माइनॉरिटी, हमारे तो कुछ है भी नहीं, कहाँ से हम दें? गरीब कंगाल अवाम, ठीक है ना, हुकूमत मज़े कर रही है, ठीक है ना, कुछ हो रहा है और ना कुछ फैसिलिटी है हमारे पास। यहाँ पर गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो हमने कितने उनको हकूक दिए, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, गैर मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में है ना, तो ये बताएं उनको क्या हकूक मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा यार, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है तो गैर मुस्लिम को कहाँ से मिलेगा, हिंदुओं को कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। कंगाल मल के, ठीक है ना, मुझे यहाँ से निकलना है लेकिन बस ये है ना कि पैसों की कमी है, ठीक है ना। कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाने आप? पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क हो, ठीक है, लेकिन मेरे को किसी और मुल्क में जाने, मैं तो ये दुआ कर रहा था कि काश इंग्लैंड में पैदा होता मैं। यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है ना, एक गरीबी की वजह से बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक गुर्बत की इलामत है, ठीक है ना सर। देखिए मैम, ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अब तो ये छोटी बात है, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बन गया है या मतलब दूसरे ममालिक में मंदिर, ये बनेंगे, ये इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह भी मैंने कह दी, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है, फिर उसके बाद अगली देख लें। हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा जीएचक्यू के अंदर सेमिनार कर दिया। सर, जियाउलक बंदे तो नहीं जा रहे? वो भी है, उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें, उन्होंने तो अपने आपके दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें वास्केट, पहना करें शलवार कमीज, पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर, नमाज के ऊपर हाजिरी लगाया करें, नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह एक मैंने जिस तरह बताया आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे? कितना सब पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है, आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोफ की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या, किस जगह का नाम है ये। कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके, क्लाशनों को। आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 जो सिपाही खड़े होते हैं क्लाशन कोफे लेकर, कि यहां को मारना जाए के मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के, ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आपके, आप ही पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू, पहले आप ये मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा, पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना, यही तो धोखा है। दोस्तों, साजिद ताहर जितना मर्जी बोल ले, इन लोगों को जो इंजेक्शन लगे हुए हैं ना, जो इस्लाम के इंजेक्शन इनके जिस्म में भरे हुए हैं, उसकी वजह से इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जितना मर्जी कर लें, क्योंकि इनकी नसों में भर दिया गया है, इनको सिखा दिया गया है कि अगर तुम 2-4 हिंदुओं को या काफिरों को मुसलमान कर लोगे तो जन्नत में तुम्हारे को 72 फुट की हूर मिलेगी। ये 72 फुट की हूरों के चक्कर के अंदर इन्होंने अपने आप को तबाह कर लिया है। इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि किसी को मुसलमान कर लें हम अपनी जन्नत में पहुंचे। इनको ये नहीं पता है कि जन्नत नहीं है, ये जन्नत से ज्यादा बुरी तरह से जाएंगे। ये हाल है इन लोगों का, लेकिन कोई इनको समझा नहीं सकता, जितना मर्जी माथा मार ले, क्योंकि पाकिस्तान का सत्यानाश तो हो चुका है, अब होना बाकी नहीं है दोस्तों, हो चुका है। ये कभी भी आपको बिखरा हुआ नजर आ जाएगा, पूरी दुनिया जानती है ये खत्म हो चुका है।
बस थोड़ा बहुत जो चल रहा है ये किसी दिन ये भी गिर जाएगा। दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।